हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अभिषेक में। जैसे फ्रेंड्स, मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं जल्द ही क्रैश कोर्स पूरे इन सारे एग्जाम के, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, चाहे यूपीएससी पीएससी हो गया, इन सभी के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो उसी के क्रम में ऑलरेडी मेरा क्रैश कोर्स तो चल ही रहा है। मैंने कहा था कि बहुत सारे फैकल्टी को हायर करने जा रहा हूं, इसी क्रम में आज मैंने भारतीय इतिहास प्लस मैथ की फैकल्टी को हायर किया है और लगातार ऐसी ऐसी फैकल्टी से आपको आपसे रूबरू कराता रहूंगा। तो मैं स्वागत करता हूं प्रदीप सर का आप सभी के साथ में और कुलदीप सर का, और ये आपके साथ में डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में और बेसिक कॉन्सेप्ट लेके पूरे फैक्ट को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आप वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना क्लियरिटी वीडियो में है और कितने अच्छे तरीके से ये सारी चीजों को डिस्कस किया जा रहा है। फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बता दूं, कुलदीप सर को मतलब कई सारे क्लासेस कोचिंग क्लास में पढ़ाने का काफी बेहतर एक्सपीरियंस है। हालांकि इन्होंने लाइव क्लासेस नहीं पढ़ाए, फर्स्ट टाइम लाइव क्लासेस पढ़ा रहे हैं और आपके साथ मेरे रिक्वेस्ट के साथ आप सभी के साथ में जुड़ेंगे। तो स्वागत है सर आपसे आपका। और फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से प्यार आप हमारे वीडियो को देते हैं उसी तरीके से आप कुलदीप सर के भी वीडियो को देंगे। तो कुलदीप सर, शुरू करते हैं। चलिए सर, ठीक। नमस्कार मित्रों, जैसा कि अभिषेक सर ने बताया कि मैं भारतीय इतिहास पढ़ाने के लिए यहाँ आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पसंद करेंगे हमारे वीडियोज के, हमारे लेक्चर्स को। और जैसा कि उन्होंने ये भी बताया कि कैमरे के सामने मैं पहली बार आया हूँ, तो जो भी मान लीजिए गलतियां होती है तो उसके लिए माफी चाहते हैं, सॉरी, ये ठीक है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो चलता है। अब हम चर्चा करेंगे कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, इतिहास में हमको क्या पढ़ना चाहिए। इतिहास में हमको ये तो पहले कि प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास में जैसा कि ये हम पढ़े कि प्राचीन संस्कृतियों का विकास कैसे हुआ, कैसे लोगों ने रहना शुरू किया, पशुपालन कैसे शुरू किया, कृषि कहाँ से शुरू हुई, किस तरह से संसाधनों का दोहन उन्होंने किया, और मतलब कि एक पूरी सभ्यता को कैसे विकसित किया। और वही चीज है कि आज वो प्राचीन सभ्यताएं वर्तमान समय में प्रासंगिक है कि नहीं। जैसे हम पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन की पद्धति जो थी कि 90 डिग्री पे समकोण पे काटती हुई सड़कें थी, नालियों की सुव्यवस्थित व्यवस्था थी, तो उससे हम आज भी सीख रहे हैं। इतिहास हमें सिखाता है, प्राचीन चीजों से हम सीखते हैं, वही चीज की इतिहास से कि हम क्या सीखे कैसे, इसलिए हम इतिहास पढ़ते हैं कि वर्तमान समय में प्रासंगिकता उसकी कैसी है। इसी क्रम में हम आज शुरुआत कर रहे हैं प्राचीन इतिहास आपसे डिस्कस करेंगे। प्राचीन इतिहास में शुरू करेंगे कि जानेंगे कि कब कहाँ कैसे कृषि हुआ, जीवन यापन कैसे लोगों ने शुरू किया, और भोजन कैसे क्या बनाया शुरू में, कैसे आश्रय घर परिवार ये सब देखेंगे इतिहास में। मित्रों, आप सब जानते हैं कि जैसे प्राचीन भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा, आर्यावर्त आर्यों के आने से पड़ा, लेकिन आर्यों से पहले भी भारत को अपना घर तुर्कों ने बनाया, हूणों ने बनाया, यहाँ पे विदेशी आए, आके बसे, यहाँ की संस्कृति को देखा, यहाँ पे ऐसी चीजें थी कि दुनिया का सबसे सबसे बेसिन भूमि यहाँ है, दो नदियों का संगम है, गंगा ब्रह्मपुत्र, जिसकी वजह से यहाँ का भूमि जो है वो बहुत उपजाऊ है, इसकी वजह से लोग यहाँ आए, अपना घर बनाए और यहाँ रहे और सभ्यताओं का विकास हुआ, और दुनिया की प्रथम जो है नगरी सभ्यता जो थी, प्रथम नगरी सभ्यता का विकास अपने भारत में हुआ, जम्मू कश्मीर के पास जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। और दोस्तों, जैसे कि अपने देश में एकता भी कहते हैं कि विविधता में अनेकता में एकता, विविधता है, बहुत विविधता है, लेकिन उसके बावजूद हम गुथे हुए हैं, बहुत ज्यादा गुथे हुए हैं, लेकिन फिर भी सबकी पहचान अलग अलग समाज में दिख जाती है, उनके पहनावे से, उनके बोली से, उनके भाषा से, उनके रहन सहन से, उनके खान पान से, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं एकजुट एक समाज है। यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, पारसी है, जैन है, कई धर्मों का संगम है, दुनिया का ये अजूबा है, अजूबा पश्चिम देशों में ये कहते हैं कि ये अजूबा है कि भारत में कैसे इतने संप्रदाय के लोग मिलके रहते हैं, कैसे यहाँ पे रहते हैं इतने संप्रदाय के लोग, असामंजस्य अपने बैठा के साथ में रहते हैं। तो इतिहास पढ़ रहे थे तो इसकी महत्वता क्या है, हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, एग्जाम में इसके रिलेवेंट या इतिहास से संबंधित प्रश्न क्या आएगा। आज हम लोग ये देख रहे हैं कि इतिहास से प्रश्न ज्यादा पूछ रहा है, यूपीएससी में भी, पीएससी में भी, वनडे एग्जाम से में भी। पीएससी में पिछले साल 2018 के यूपीपीसीएस में 18 प्रश्न पूछे गए थे, और इतिहास को पढ़ के ये हम कभी नहीं मतलब कि एग्जाम में नहीं आएगा कि
अलाउद्दीन खिलजी ने यही निर्णय क्यों लिया था। हमको उसकी नीतियों से सीखना होगा कि जैसे उसने बाजार सुधार के लिए क्या नीति लाई, किस तरह के कठोर लाए, किस तरह का उसका इंसानों पर या व्यापारियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सब नीतियों को समझना होगा और वो सब एक तरफ से तथ्यात्मक रूप से हम बताएंगे और वर्तमान समय में उसकी क्या प्रासंगिकता है वो भी बताएंगे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन था वो भी बताएंगे कि आज उसकी क्या महत्व है, वर्तमान समय के शहरों में क्यों उसको हम अपनाते हैं, क्यों उस सिंधु घाटी सभ्यता की नाली वगैरह जो वहाँ की थी पूरी ढकी थी, रोड सड़कें 90 डिग्री पे काटती थी, वो सब आज भी प्रासंगिक है। इतिहास की महत्व तो इसलिए भी बढ़ जाता है। सबसे प्राथमिक चीज ये कि प्रश्न जो एग्जाम में पूछ ही रहा है ठीक है, लेकिन हमको हमारे अंदर जानने की इच्छा होनी चाहिए कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे पूर्वजों ने क्या किया, कैसे किया, जो किया यह वर्तमान समय में जो भी प्राचीन को लेकर कथात्मक कहानी है क्या वो सत्य है कि असत्य है, बहुत सारी लोकप्रिय प्रचलित कहानियां हैं क्या उसमें यथार्थता है कि नहीं है, हम कहाँ कैसे खाना शुरू किए, कहाँ हमारा घर था, रहन सहन, ये सब चीज भी हमको देखना है। और ये एक बात पॉइंट गेस करने वाली बात है पॉइंट कि इतने भी जो बड़े बड़े नगर हुए हैं, महानगर हुए हैं, तो वो नदी किनारे ही क्यों विकसित हुए हैं, क्या कारण है इसके पीछे। इसके पीछे हम यही कह सकते हैं कि जब जीवन यापन करने के लिए पानी का हमको आवश्यकता होती होगी, पानी हमको जरूरत है, पशुपालन करें खुद के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए या कृषि के लिए। वर्तमान समय में तो मान लीजिए कि चलिए कृषि उतना ज्यादा प्रासंगिक नहीं, लेकिन फिर भी कृषि तो करेंगे ही, वहीं से तो उत्पादन होगा, वही खाएंगे, लेकिन उस समय में सिर्फ कृषि ही जब रहा होगा तो वही करते थे। इस वजह से नदियों के किनारे जो है महानगरों का विकास हुआ। इससे भी आपको पूछ देता है एग्जाम में कि नदी किनारे बसे शहर, ये आपका होमवर्क है कि भारत के प्रमुख शहरों का नाम बताएं जो प्रमुख नदियों के किनारे बसे, ये होमवर्क रहेगा, आप लोग कलम डिस्कस कर लेंगे। चलिए अब हम ये कहते परीक्षा में क्यों खास है, इतिहास क्यों खास है। जैसे कि इतिहास से बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन पद्धति थी तो आज हम वो कैसे लागू करेंगे। जैसे हम मान लीजिए या सिविल सर्वेंट बन रहे हैं, पीसीएस अधिकारी बन रहे हैं, या कि वनडे एग्जाम से में ही हम कुछ और कलर के पद में या किसी और पद में रहते हैं, तो हमको ये समझना होगा कि वर्तमान समय की जो सबसे ज्यादा आज हिंदुस्तान की समस्या है कचरे की, कचरा कैसे हम कहाँ डंप करें, कहाँ ले जाएं। तो ये हमको सिखाता है इतिहास कि हम क्या करें, कैसे करें, प्लास्टिक का यूज कैसे कम कर सकते हैं, मिट्टी के बर्तन उपयोग कर सकते हैं। क्या उस समय प्लास्टिक नहीं था तो क्या लोग जीवित नहीं थे, थे, उस समय मिट्टी के बर्तन होते थे। तो वही है कि वहां से हम सीखे कि कचरा जैसे ना फैलाए, रोड है तो रोड कैसी होनी चाहिए, 90 डिग्री पे काटनी होनी चाहिए। दोस्तों अब हम देखेंगे कि भारत में हमारे विविधता में एकता है कैसे है, देखेंगे भारतीय समाज में वर्तमान समय में तो ठीक ही है जैसा है, लेकिन प्राचीन समय में आर्यावर्त इसका जैसे नाम था, भारत का आर्यावर्त नाम पड़ा था, आर्यावर्त नाम पड़ा था आर्यों के आगमन से, लेकिन आर्यों के पहले भी हमारे देश में बहुत सारे विदेशी आए थे, हूण आए थे, तुर्क आए थे, सीथियन लोग आए थे, भारत को अपना घर बनाया, यहाँ आए, यहाँ पे अपना समाज विकसित किया, और मतलब कि एकदम गुथा हुआ है कि आप ये देख लीजिए कि संगम साहित्य जो तमिल में लिखा हुआ है उसमें संस्कृत शब्द और पाली भाषा का प्रयोग मिलता है, ऋग्वैदिक काल में मुंडा और इस शब्द का ऋग्वैदिक संस्कृत साहित्य है, लेकिन इसमें मुंडा और द्रविड़ शब्द मिलते हैं ऋग्वैदिक साहित्य में। इस तरह से हमारे देश में विविधता में एकता है ये दिखता है। अब जैसे कि ये हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, भारत का भारत नाम कैसे पड़ा, इसमें कि बहुत सारा विवाद है, लेकिन अब हम देखेंगे कि हिंदू का हिंदू नाम कैसे पड़ा। हिंदू के पश्चिम दिशा में सिंधु नदी है, ईरानी साकोहा कहते हैं, साकोहा कहते हैं, इस वजह से उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा, और उनका वहां के ईरान में एक शिलालेख मिला है जिसमें ईरानी शिलालेख में ये कहा लिखा हुआ है कि ये सिंधु नदी पर का एक जिला है, प्रांत है सिंधु नदी पर, उसी से यहाँ का नाम हिंदू पड़ा, हिंदुस्तान पड़ा, आर्यों के आने से इसका नाम आर्यावर्त पड़ा, और भारतवर्ष और भारती इसका सर्वप्रथम उल्लेख गुप्त काल के बाद के ग्रंथों में हमको मिलता है। भारतवर्ष और भारती
यह सब उपबंध गुप्त काल के बाद के ग्रंथों में, और हिंदुस्तान हिंदुस्तान नाम जो है यह ईरानी शिलालेख में मिलता है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान का नाम ईरानी शिलालेख से मिलता है क्योंकि वहां पे साकोहा कहते हैं, और हिंदू का तात्पर्य किसी धर्म से नहीं है। प्राचीन काल में हिंदू का मतलब एक प्रादेशिक इकाई के रूप से था, वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता धर्म के रूप से हो गई, लेकिन प्राचीन समय में हिंदू कोई धर्म नहीं था, ये सिर्फ एक प्रादेशिक इकाई था। प्रादेशिक इकाई इस रूप में था कि ये सिंधु पर बसा एक प्रांत है, वो हिंदू था, कोई इसका धर्म से प्राचीन समय में लेना देना हिंदू शब्द से नहीं था। ये सिर्फ यही था कि इंदस नदी के पास में बसा हुआ एक प्रांत है। अब मित्रों हम देखते हैं कि हमारे जो प्राचीन भारतीय इतिहास है स्रोत कहां से कहां से हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, इसके स्रोत मित्रों यहीं से एग्जाम में परीक्षा में प्रश्न जो पूछे जाते हैं शुरुआत यहीं से होती है। परीक्षा में प्रश्न यहीं से आपको पूछते हैं कि साहित्यिक साक्ष्य क्या है, इसमें क्या विवरण है, उसके पूछ दिया जाएगा विदेशी साक्ष्य जैसे कि वेन सांग चीनी यात्री एफआईआर है तो उसने बौद्ध धर्म के लेकर और किस शासक के शासन में आया, उसने क्या लिखा, उससे हमको क्या साक्ष्य मिलता है। धार्मिक साक्ष्य जैसे वेद हो गए, कौन से वेद सबसे पहले लिखा गया, कौन से वेद बाद में लिखा गया, कब किसके शासन काल में लिखा गया, ये सब साक्ष्य हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज हमारा इंट्रो वीडियो था और हमने बताया कि हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, भारत के बारे में हमने चर्चा की, भारत के नाम के बारे में चर्चा की, और एक हमने पढ़ाते वक्त कहा था कि जो सभ्यताएं हैं वो नदी किनारे बसती है, तो हमने आपको होमवर्क दिया था कि आपको ये नोट कर लेना है कि भारत के जो सबसे बड़े बड़े महानगर हैं वो किस नदियों के किनारे बसते हैं। मित्रों आज ये प्राचीन इतिहास की इंट्रो वीडियो थी, कल से हम देखेंगे एक तरफ से मिडिवल क्लास मध्यकालीन भारत आधुनिक भारत, एक तरफ से वीडियो चलेंगी, रोज होगा लेक्चर होगा, रोज आपको वीडियो मिलेगी, और ये नहीं कि सिर्फ तथ्यात्मक या विवरण दोनों रूप से तथ्यात्मक तथ्य ही बताएंगे, विवरण भी देंगे कैसे क्या हुआ। तो ये आज इंट्रो क्लास थी, आगे से कल मित्रों आप लोग इंतजार करिए, कल से लेक्चर शुरू।